राजमहल कोल परियोजना ACL ललमटिया में शाम ढलते ही कोयला तस्करी का धंधा शुरू हो जाता है। इनका मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन की ओर से हो रही कार्रवाई के बावजूद चितरकोठी, नीमाकला, जकनपुर और ललगुटवा में टमटम से लेकर ट्रैक्टर से कोयले की ढुलाई होती है। जिला खनन विभाग इन तस्करों को संरक्षण देने वाले लोगों पर दबिश देने की रणनीति बना रहा है। जल्द ही कार्रवाई होगी। तो कोयला तस्करी के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि शाम ढलते ही कोयला की तस्करी शुरू हो जाती है। और ताजा मामला ये गोड्डा का है। खनन विभाग कार्रवाई कर रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, छापेमारी भी हो रही है, लेकिन फिर भी जो अवैध खनन करने वाले भी बेखौफ हैं और कोयले की ढुलाई करने वाले भी। और दिलखुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता दिलखुश। लगातार कार्रवाई हो रही है, कई बार देखिए तस्करी के कोयलों को भी पकड़ा जाता है, वैध कोयलों की जिस तरह से खनन हो रही है उसका तस्करी भी हो रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, उसके बावजूद जो अवैध कोयले की ना तो खनन रुक रही है और ना ही उसकी तस्करी रुक रही है। जिला प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन जैसे ही देर शाम होते ही कोयला वाहन और टमटम के माध्यम से बिहार ले जाता है हनवारा रास्ता होते हुए, और ये सिलसिला काफी वर्षों चला रहा है, लेकिन प्रशासन आज तक क्यों नहीं रोक पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन है के द्वारा सेटिंग करके चलाया जाता है कोयला के अवैध तस्करी, और वहां से जो दबंग व्यक्ति है वहां से सबसे पैसा वसूली करता है उस टमटम गाड़ी से, कोयले गाड़ी के वाहन से, और धरातल पर ये चल रहा है बराबर, लेकिन प्रशासन मुखदर्शक भी बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन एक तरफ कर रही है कि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये सबसे बड़ी सवाल है। जी बिल्कुल दिलखुश, कि जिस तरीके से बेखौफ होके कोयले की तस्करी की जा रही है उससे तो ये लगता ही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत तो जरूर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।